नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। होम्योपैथिक औषधियों के सिलसिलेवार कड़ी में आज मैं आपके साथ एब्रोटेनम 30 होम्योपैथिक औषधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। एब्रोटेनम 30 का व्यवहार ज्यादातर उन रोगियों में होता है जो रोगी दिनों दिन सूखते चले जाते हैं एवं कितना भी खाना खाने के पश्चात भी उनका शरीर धीरे धीरे सूखता चला जाता है। खासकर ऐसी बीमारी बच्चों में पाई जाती है जिसे सुखंडी रोग कहते हैं। रोगी को भूख अच्छी लगती है परंतु शरीर दिनों दिन सूखता चला जाता है। एब्रोटेनम का प्रमुख लक्षण यह है कि रोग शरीर में अपना स्थान परिवर्तन करते रहता है और अपनी वास्तविक स्थिति को बदलकर दूसरे स्थान में प्रकट होते रहता है। यह औषधि दबी हुई रोगावस्था के कुफल विशेष रूप से गठिया पीड़ित रोगियों में अच्छी काम करती है। कंधों, कलाइयों एवं घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द, टांगों के जोड़ अत्यंत अकड़े हुए, हाथ पैरों के दर्द में इस औषधि का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। रोगी का गर्दन इतनी कमजोर रहती है कि वो अपने सिर को ऊपर उठाकर रख भी नहीं पाता है। ऐसे लक्षणों में होम्योपैथिक की यह औषधि एब्रोटेनम 30 का इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं।